बजाज की तरफ से एक और नया अपडेट आ गया है दोस्तों, जो कि बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था, जो कि पल्सर N125 CC हो गई है। अब जो है इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये बाइक जल्द से जल्द लॉन्च करने वाली है। इसकी जो नाम होगी इसमें कन्फ्यूजन है, N125 CC है या फिर इसको पल्सर 125 CC कहा जाएगा, इसमें कोई शक है। आप जैसा देख सकते हैं कि इस बाइक में जो भी खास बात है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहे, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं इस बाइक के बारे में कि इस बाइक में जो भी बदलाव किए गए हैं वो छोटा मोटा ही बदलाव हो सकते हैं मेरे नज़र में। आप देख सकते हैं इसकी जो हेडलाइट है, हेडलाइट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चाहे उसे चेंज कर दे बजाज, चाहे उसको कंटिन्यूस करेगी, तो मुझे तो लगता है कि ये नॉर्मली बाइक के तरह ग्लैमर की लग रही है, सेम टू सेम ग्लैमर जैसी लग रही है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता देना कि इसकी आपको क्या क्या फ़ीचर अच्छा लगा, क्या क्या आपको लुक अच्छे लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। इसकी बात करते हैं तो इसकी जो है आपको एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो कि ABS आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ इसकी जो 125 CC में आने के साथ साथ जो है इसकी हेडलाइट की भी पहले बात कर लेते, क्योंकि हेडलाइट ही इरिटेट कर रहा है सभी लोगों को। इसकी जो है हेलोजन हेडलाइट मिलेगी, ना कि आपको DRL मिल सकती है LED में, ना कि आपको यहाँ पे लाइट मिलेगी LED, आपको हेलोजन लाइट मिलेगी जो कि बल्ब रहेगी। और जहाँ तक बात कर लें इसकी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन ठीक ठाक है, नॉर्मली डिज़ाइन है। ये अलग टाइप की मतलब बाइक को बनाना कुछ चाह रही है बजाज, जो कि इस सेगमेंट में अलग तरह के ही पहचान बनाएगी अपने इस मार्केट में। दोस्तों हो सकती है इसकी नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वो दोनों बात आएगी सामने, लेकिन वो समय है उसमें। दोस्तों इसकी जो है इंजन 125 CC है, जो कि 125 का आपको यहाँ पे, जो कि 140 का आपको टॉर्क जनरेट करेगी। जो भी रहती है 125 CC बाइक में वो तो नॉर्मली है। इसकी जो लुक है, लुक ही मुझे पसंद नहीं आए। जो भी बात है आपको अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और कैसा ख़राब लगा बताना ज़रूर दोस्तों।